डीडी किसान बदलते भारत की शान। समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकार किसानों के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध। 2013-14 के कृषि बजट के मुकाबले किसानों के लिए दिया गया है काफी अधिक बजट। वही किसानों के लिए उर्वरकों पर 11 लाख करोड़ के व्यय और दालों और अनाज के भरपूर भंडारण की व्यवस्था पर सरकार का फोकस। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की सहायता के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि को 16 अगस्त 2024 तक बढ़ाने का लिया फैसला। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को मिलेगा लाभ। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों के विकास के लिए सरकार की बड़ी पहल। पशुपालकों को पशुपालन के कार्यों के लिए सरकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। योजना के तहत किसानों को 5 लाख गोपाल क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 के कृषि बजट के मुकाबले किसानों के लिए काफी अधिक बजट दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सम्मान निधि और कृषि बीमा की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उर्वरकों पर 11 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने दालों और अनाज के भरपूर भंडारण की व्यवस्था पर जोर दिया है। Sir, whereas to contrast this with our period, over the last decade, sir, India's average inflation was only 5.1%, lower than the 5.8% average among the emerging economies. So we are close to it and even lesser than the average of the emerging economies inflation. That is the difference between UPA's handling of inflation and India's handling of inflation. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की सहायता के लिए सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले पर जानकारी देते हुए कृषि मंत्रालय सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि को 16 अगस्त 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी और वे अधिक संख्या में योजना का लाभ ले पाएंगे। किसान सशक्त तथा समृद्ध हों और उनके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रहे, इसके लिए सरकार संकल्पित है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पूरे देश के सभी किसान भाई बहनों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी गई है। किसान अब 1 अगस्त 2024 तक फसल बीमा में पंजीकरण करा सकते हैं। आज इसका आखिरी दिन होने की वजह से किसान इस अवसर को ना चूके और अपनी फसलों को फसल बीमा का सुरक्षा कवच दें।
सरकार ने किसानों के साथ साथ पशुपालकों के चहु विकास के लिए एक अनूठी योजना प्रारंभ की है। इस योजना का नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 1,00,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसको किसानों को शॉर्ट टाइम के वापस चुकाना होगा। इस लोन की सहायता से राज्य के किसान कृषि हेतु कृषि उपकरण खरीद सकेंगे और अपनी खेती की उपज को बढ़ा सकेंगे। देश में किसानों के साथ साथ अब सरकार का फोकस पशुपालकों को भी सशक्त करना है। पशुपालन में निवेश के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों को आसानी से ये पूंजी उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड पर पशुपालन एवं मछली पालन के लिए कम दरों पर लोन उपलब्ध करा रही है। ठीक इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार राज्य में जल्द ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पशुपालकों को पशुपालन के कार्यों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत किसानों को 5,00,000 गोपाल क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि किसानों एवं पशुपालकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए लेखानुदान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। योजना के प्रथम चरण में लगभग 5,00,000 गोपालक परिवारों को 1,00,000 रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण पशुपालन, डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा शेड एवं खली के निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। शीघ्र ही इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही सरकार ने सहकारिता विभाग के लिए 19,80,29,71,000 रुपए की अनुदान मांगों को स्वीकृति दी है। राज्य में विभिन्न प्रकार की 41,000 सहकारी समितियों के 1,35,00,000 से अधिक सदस्य हैं। इन समितियों के 21,480 करोड़ रुपए से अधिक हिस्सा पूंजी व 1,37,096 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी है। प्रदेश की लगभग 20% आबादी सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई है। किसानों की अल्पकालीन जरूरतों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरण और 5,00,000 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 24 जुलाई 2024 तक 24,00,000 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण भी किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि किसानों को 100 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। इसके लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित 50 करोड़ रुपए के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 5% ब्याज अनुदान को 2% बढ़ाकर 7% किया गया है। संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं, जहां मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान देश के पूर्व, पश्चिम, मध्य, दक्षिण, प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि शनिवार तक मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात में भी अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में भी तेज बारिश हो सकती है। 3 अगस्त तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल रात तेज बारिश हुई, जिसमें 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 5 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर शहर के सीकर रोड नंबर 17 पर बेसमेंट में 15 फीट पानी भर गया। इस हादसे में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया और इसके साथ ही राजधानी के कुछ अस्पतालों में भी पानी भर गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में बारिश कहर बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते कई लोगों की मौत भी हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में 5 दिन के लिए रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। भारी बारिश के कारण कई झरने भी उफान पर हैं और साथ ही बांध के गेट खोल दिए गए हैं ताकि पड़ोसी गांव की जमीन बढ़ जाए।
हिमाचल प्रदेश में कल रात बादल फटने की वजह से भारी तबाही मच गई। इस घटना के बाद से अब तक 32 लोग लापता हैं। शिमला और कुल्लू जिले में श्रीखंड की पहाड़ियों में बादल फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समेज में कई मकान एवं गाड़ियों की चपेट में आने की भी सूचना है। समेज में एक जल विद्युत परियोजना में कार्यरत भवन में सो रहे लोग भवन समेत बह गए और इन लोगों की खोज की जा रही है। और देश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून आ गया है। ये समय फूलों की खेती के लिए सबसे बढ़िया रहता है। इस समय फूलों की खेती करने पर किसानों को त्योहारों तक अच्छी आमदनी मिल सकती है। देखिए कैसे हमारी इस रिपोर्ट में। बरसात के मौसम में खेतों की रौनक ही कुछ और होती है। इस दौरान फसलों की बढ़वार तेजी से होती है और मिट्टी की सौंधी खुशबू भी पूरे वातावरण में फैल जाती है। ये समय फूलों की खेती के लिए सबसे बढ़िया रहता है। आप चाहें तो अपने घरों पर फूलों की किस्में लगा सकते हैं। इस समय फूलों की खेती करने पर किसानों को त्योहारों तक अच्छी आमदनी मिल जाती है, इसलिए किसान इन बेहतरीन किस्मों को लगाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। गेंदे के फूल से हर कोई वाकिफ है, इसे मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। पूजा पाठ से लेकर घर को सजाने में इस्तेमाल आने वाला गेंदे का फूल बेहद आकर्षक होता है। गेंदे के फूल के 50 से भी ज्यादा प्रकार होते हैं। साथ ही ये बरसात में लगाए जाने वाला पौधा है, क्योंकि बरसात में इस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। वहीं इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। सूरजमुखी बरसात के मौसम में उगने वाला एक खास फूल है। जैसे जैसे सूर्य घूमता है उसी दिशा में ये पौधा घूम जाता है। इसके बीज को मई से लेकर जुलाई तक लगाया जाता है और सूरजमुखी का पौधा देखने में काफी आकर्षक लगता है। साथ ही इसे पर्याप्त रूप से धूप की आवश्यकता होती है। वहीं इसके तेल की काफी डिमांड रहती है। अधिकतर घरों में आपको मोगरे का फूल देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि मोगरा सफेद रंग का फूल देखने में काफी आकर्षक होता है। साथ ही उसकी खुशबू लोगों के मूड को खुशनुमा बना देती है। मोगरे के पौधे को बरसात में लगाना चाहिए। महिलाओं के बीच मोगरे की मांग होने की वजह से बाजार में इसकी डिमांड काफी रहती है। वहीं इसके पौधे को समय पर खाद, पानी और धूप मिलना आवश्यक होता है। चंपा का फूल बरसात में लगाए जाने वाला बेहद आकर्षक पौधा है। इसे टेंपल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। चंपा का फूल काफी सुगंधित होता है, साथ ही ये स्वास्थ्य समस्याओं में भी काम आता है। साथ ही इसका प्रयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। वही किसान इस पौधे को लगाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। उड़हल का फूल बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा फूल उगने वाला पौधा है। उड़हल के फूल को जवा कुसुम भी कहा जाता है। इस पौधे को उगने में काफी समय लगता है। आयुर्वेद की माने तो इसमें औषधीय गुण काफी होते हैं। वहीं इसका प्रयोग मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए अधिक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और केला एक ऐसा फल है जिसकी न केवल देश भर में पूरे साल मांग बनी रहती है, बल्कि केले को नमकीन और अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। किसान कैसे केले की खेती करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कच्चे केले, विशेष रूप से सब्जियों वाले केले, न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं। उनकी खेती करने से हमें पोषण और आर्थिक दोनों लाभ मिलते हैं। केले को चिप्स, आटा और अन्य उत्पादों में संसाधित करने से आय में वृद्धि हो सकती है और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। बरसात के समय जब ताजी हरी सब्जियां मिलना कठिन होता है या उनकी कीमतें बहुत अधिक होती हैं, तो सब्जियों वाले केले एक उत्कृष्ट विकल्प होते हैं, खासकर शाकाहारी लोगों के लिए जिनके पास विकल्प सीमित होते हैं। कच्चे केले का सेवन न केवल आयरन की कमी को पूरा करता है बल्कि यह पेट की बीमारियों में भी लाभकारी होता है। कच्चे केले पके केले से ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसकी खेती इस समय करके किसान आने वाले समय में बेहतर लाभ ले सकते हैं। कच्चे केले में मीठे पके केले की तुलना में अधिक स्वास्थ्य लाभ और पोषण तत्व मिलता है। इनमें पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6 और आहार फाइबर की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। इसके अलावा कच्चे केले प्रतिरोधी स्टार्च का भी एक अच्छा स्रोत होते हैं। इनमें प्रतिरोधी स्टार्च आंत में लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। कच्चे केले में पके केले की तुलना में
कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। यह मधुमेह वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प बनता है। कच्चे केले का फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च शरीर का वजन कंट्रोल करने में मदद करता है। कच्चे केले एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव से शरीर को बचाते हैं। केले में सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसकी खेती इस समय करके किसान आने वाले समय में बेहतर लाभ ले सकते हैं। नेद्रन ए बी किस्म की जाने विशेषताएं। दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल की यह एक प्रमुख किस्म है। इस केले के बने उत्पाद जैसे चिप्स, पाउडर आदि खाड़ी के देशों में निर्यात किए जाते हैं। इसे मुख्यतः सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोन्थन किस्म का कच्चे और पके फल में उपयोग। मोन्थन किस्म में कचकेल, वनकेल, पौंथा, कारीबेल, बथीरा, कोठिया, मुठिया, गौरिया, कनबोंद, मानन केले आते हैं। यह सब्जी वाली किस्म बिहार, केरल, मालाबार, तमिलनाडु, मदुरई, तंजावूर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और मुंबई, ठाणे जिले में मुख्यतः पाई जाती है। इसका पौधा लंबा और मजबूत होता है। कारपुरावल्ली किस्म में रोग कीट कम। यह तमिलनाडु की एक लोकप्रिय प्रजाति है। इसका पौधा बहुत ही सख्त होता है, जो हवा, सूखा, पानी, ऊंची नीची जमीन, पीएच मान में बेहतर उत्पादन होता है। हाइब्रिड किस्म साबा की खासियत। इस किस्म की खेती पहले फिलीपींस में होती थी, लेकिन अब इसकी खेती सभी प्रमुख केला उत्पादक देशों में हो रही है। केले की अन्य किस्मों की तुलना में फल फूल आने के 150 से 180 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक पौधे से लगभग 26 से 38 किलोग्राम केला मिलता है। हाइब्रिड किस्म फिया 3 में अधिक फल। फिया सब्जी वाले केले की दूसरी संकर किस्म है। इसमें फल को सब्जी के रूप में और पकाकर खाने में प्रयोग होता है। उचित किस्मों का चयन और सही समय पर खेती करके हम अपने स्वास्थ्य और आय दोनों को बढ़ावा दे सकते हैं। केले को चिप्स, आटा और अन्य उत्पादों में संसाधित करने से आय में वृद्धि हो सकती है और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। निर्यात क्षमता में सुधार हो सकता है, जिससे मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्यात के अवसरों का विस्तार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को नगरी, दहेगाम और फैजाबाद मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि पुलपल्ली और कोटा मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 30 जुलाई को धान का भाव रहा 1950 रुपए। 31 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1960 रुपए पर। गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 जुलाई को धान का भाव था 2152 रुपए, 31 जुलाई को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 2177 रुपए पर हुए। हालांकि केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते दो दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 30 और 31 जुलाई को धान 2320 रुपए पर बिकी। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में 30 जुलाई को धान का भाव रहा 3350 रुपए, 31 जुलाई को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 3350 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में बीते मंगलवार को धान का भाव था 2320 रुपए, बुधवार को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 2330 रुपए हो गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जून महीने के दौरान कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज 2023-24 के दौरान 1367 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के दौरान 1357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है।
हाजिर भाव की बात करें तो देश की ज्यादातर मंडियों में बुधवार को गेहूं के सौदों में उठा पटक के साथ कारोबार हुआ। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की सावर कुंडला मंडी में 30 जुलाई को लोकवान गेहूं का भाव था 2585 रुपए, 31 जुलाई को इसके भाव में 173 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2758 रुपए पर। इसी तरह राज्य की ही हलबद मंडी में गेहूं के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2550 रुपए, 31 जुलाई को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 2650 रुपए पर हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बीते मंगलवार को गेहूं का भाव था 2650 रुपए, बुधवार को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2640 रुपए। की कोटा मंडी में 30 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2520 रुपए, 31 जुलाई को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2525 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बुधवार को गेहूं के भाव की बात करें तो यहां की अलीगंज मंडी में 31 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2365 रुपए, फैजाबाद मंडी में भाव रहा 2400 रुपए, में धारा गेहूं 2495 रुपए पर बिका, जबकि महरौनी मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 2400 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है, इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई करें, किसान अरंडी की बुवाई करें, वहीं अनार की रोपाई कर सकते हैं। यहां बेर के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। राजस्थान में किन्नू की नर्सरी तैयार करें। इस समय गन्ने में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान कपास के खेत से खरपतवार निकालें, अभी मूंगफली के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। राजस्थान में तिल की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें, साथ ही उड़द के खेत से खरपतवार निकाल लें। किसान मिर्च की रोपाई कर सकते हैं, इसके अलावा मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। गुजरात में कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें, वहां धान की रोपाई कर लें, साथ ही अरहर की बुवाई कर लें। इस समय केले की रोपाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंग के खेत में निराई करें, इसके साथ ही टमाटर की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान बैंगन की रोपाई कर लें, अभी सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। इसके अलावा पपीते के बागों में निराई करें। गुजरात के किसान मिर्च की रोपाई कर सकते हैं, इसके अलावा मक्के के खेत में निराई कर लें। गुजरात में ज्वार के खेत में निराई कर सकते हैं, यहां फूल गोभी की रोपाई करते रहें। किसान मूंगफली के खेतों की देखभाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुवाई के लिए एक हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें।
बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर पांचवें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए दो बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और NCR के लिए है। एक हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है, इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें, पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में उत्तर प्रदेश में हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव डेहरा कुटी के पास कांवड़ियों की कैंटर गाड़ी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दो कांवड़ियों की मौत हो गई। झारखंड से रांची में भाजपा विधायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बने लाइब्रेरी के अंदर बारिश का पानी घुसने से 3 एस्पिरेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। गाजीपुर क्षेत्र की खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में गई एक महिला और एक बच्चा नाले में फिसल गए। क्रेन की मदद से दोनों को गोताखोरों और की मदद से निकाला गया और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। एम्स नई दिल्ली में एक ऐसा लाउंज तैयार किया जाएगा जैसा आप एयरपोर्ट पर देखते हैं। इस लाउंज में एक साथ एक समय पर 500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के शहीदी सप्ताह के दौरान भेरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद होंगे। इन मदरसों में पढ़ने वाले करीब 2000 छात्रों का परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है। वे 71 वर्ष के थे। अंशुमन गायकवाड़ पिछले कुछ समय से ब्लड कैंसर से लड़ रहे थे। पीएम ने अंशुमन गायकवाड़ के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि श्री अंशुमन गायकवाड़ जी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।